अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खरियत से होंगे। आजकल बहुत ही गर्मी है, गर्मी के दिनों में अगर कुछ ना मिले पकाने के लिए ये मज़ेदार सालन बना ले। ये कम वक्त में बनता है और कम चीज़ों से तैयार होता है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। दो सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे, एक प्याज, इसे मैंने ना मोटे मोटे पीसों में काट लिया है प्याज को, एक टमाटर कटा हुआ, आप साबुत भी डाल सकते हैं दो पीसों में करके, थोड़ा सा लहसुन डाल लेंगे, ये मैंने कच्चा आम लिया है, आप दे सकते हैं, कच्चा आम डाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, अब ग्राइंड कर लेते हैं, आप दे सकते हैं, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया। देखिए आप कितना अच्छा पेस्ट बना है। आधा कप ऑयल, आप यहाँ घी भी डाल सकते हैं, अगर आप घी खाते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। दो टुकड़े दालचीनी के, आधी चमची साबुत जीरा, आधी चमची साबुत धनिया, एक मिनट के लिए रोस्ट होने देते हैं, ज़्यादा नहीं पकाना, बस एक मिनट के लिए पकाना है, चूल्हे की आंच को ना मीडियम रखना है। चूल्हे की आंच को मैंने कम रखा है, आप दे सकते हैं, नहीं तो मुंह के ऊपर छींटे पड़ जाएंगे। एक मिनट के लिए मैंने पका लिया, चूल्हे को बंद कर देते हैं। एक चमची नमक डाल लेंगे, नमक जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। एक चमची पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची हल्दी पाउडर, आधा मिनट तक पका लेंगे। यह ऑयल ना बहुत ही गर्म है, इसके लिए आधा मिनट तक पका लेंगे। मसालों को जलने बिल्कुल भी नहीं देना, आप दे सकते हैं, आधा मिनट के लिए मैंने पका लिया मसालों को। चूल्हे को मैंने बंद किया था, अब मैंने चूल्हे को जला लिया है, आप दे सकते हैं, जो हमने पेस्ट तैयार किया वो डाल लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, आप इसे दो मिनट के लिए पका लेंगे, ऐसे मिक्स करते हुए पका लेंगे। ये कितना ही अच्छा मसाला बना है, आप ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं। आजकल बहुत गर्मी है, गर्मी के दिनों में ना ये कम टाइम में ये वाला सालन बनाए, अगर कुछ ना मिले तो ये वाला सालन बना ले। आप दे सकते हैं, दो मिनट के लिए मैंने पका लिया, आप ऐसे भी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, ऐसे भी बहुत टेस्टी है, पराठे के साथ भी खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा इसका। इसमें मैंने कच्चा आम डाला है ना, कच्चे आम से मसाला बहुत ही मज़े का बनता है। आधा किलो बारीक कटे हुए आलू डाल लेंगे, इसे भी दो मिनट के लिए पका लेते हैं आलू को भी। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। आलू को भी दो मिनट के लिए मैंने पका लिया है, आप दे सकते हैं, आलू का कलर तेज हो चुका है, माशाल्लाह है ना मज़े का लग रहा सालन, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। एक कप पानी डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, पानी को साथ में ही उबाइल आ चुका है, अब चूल्हे की आंच को ना कम कर लेंगे। इसे ना 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे, 10
10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उतार लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं आलुओं का पानी भी खुश्क हो चुका है और कितने ही अच्छे लग रहे हैं, आप चेक कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए आलू भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। चूल्हे को बंद कर देते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे ऊपर। आप इसके ऊपर सब्ज धनिया डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह देखें कितना ही अच्छा बना है सालन, है ना मजे का। मसाला डाल के मैंने मिक्स कर लिया, सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे प्लेट में डाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं आलू का सालन हमारा तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मजे का बना है, ये बच्चों और बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। आप इसे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है, ये कम वक्त में बनता है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा खुदा हाफिज़।